Hello students, in second lecture of mathematics function ko pehle explain karenge kyunki relation to explain ho hi gaya tha to ab function ko explain karna hai to first topic hoga function aur function mein function ke andar jo aur bhi topics chote chote honge wo honge function ke domain range real functions kyunki real valued function hi discuss karna hai class 12th mein इसलिए रियल फंक्शन को डिस्कस करना नेसेसरी है और उसके बाद मेथड टू फाइंड डोमेन एंड रेंज फाइंड करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं वो सभी मेथड डिस्कस किए जाएंगे उसके बाद डोमेन एंड रेंज ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन जो फंक्शन आप पहले 11th में पढ़ चुके हैं या और भी जो फंक्शन हो सकते हैं वो सभी फंक्शन के स्टैंडर्ड जो डोमेन रेंज होंगे उसका डिस्कस किया जाएगा फिर डोमेन रेंज फाइंड करने के लिए एक मेथड होता है वेवी कर्व मेथड इसे भी आज डिस्कस किया जाएगा देन लेट अस स्टार्ट फंक्शन डेफिनेशन ऑफ फंक्शन 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 भी एक तरह का रिलेशन ही है लेकिन ये एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है तो इस स्पेशल टाइप के रिलेशन को डिस्कस करेंगे लेट वैसे ही ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट ऐसा ही डिफिनेशन मैंने रिलेशन में ही भी लिखा था और वैसा ही लिखना है क्योंकि फंक्शन भी एक तरह का रिलेशन है तो वैसे ही स्टार्ट होगा लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स एंड एफ बी अ रिलेशन एफ बी अ रिलेशन अब रिलेशन को आर कहो चाहे एफ कहो बात एक ही है किसी भी सिंबल से डिनोट कर सकते हैं एफ बी ए रिलेशन विच एसोसिएट्स एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए विद यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी देन द रिलेशन एफ इज कॉल्ड अ फंक्शन रिलेशन इज कॉल्ड रिलेशन एफ is called function or mapping function को mapping भी बोल सकते हैं आप mapping which is denoted by a symbol f maps a to b and this is read as f maps A to B या इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं F of A to B इस तरह डिनोट कर सकते हैं आप फंक्शन को और इसको इस तरह रीड कर सकते हैं तो ये फंक्शन का डिफिनेशन हो गया अब इसमें ये आप देखेंगे बहुत सी चीजें कभी कभी आप ऐसे ज्यादातर तो इस तरह देखना होगा इस तरह भी लोग डिनोट करते हैं F maps X to Y इसका मतलब क्या हुआ कि ये फर्स्ट सेट x हो गया और सेकंड सेट y हो गया हियर सेट x सेट x इज नोन एज डोमेन सेट y x कहो चाहे a कह लो क्योंकि यहां पर तो a है और यहां y कह लो चाहे b कह लो इसको डोमेन ऑफ एफ ये डोमेन ऑफ एफ को डोमेन ऑफ एफ अब इसमें एक रेंज भी होता है ये तो डोमेन और को डोमेन को आपने क्लियर कर लिया लेकिन रेंज अगर डिस्कस करें कोई रेंज ऑफ एफ तो इसको डिफाइन करेंगे द सेट ऑफ एलिमेंट्स
which are images of the elements of सेट ए। तो इस तरह हमने फंक्शन को डिफाइन किया। अब फंक्शन को जब डिफाइन कर लिया तो इसके डोमेन और रेंज को थोड़ा डीपली डिस्कस करेंगे। अब एग्जांपल की बात करते हैं तब क्लियर हो पाएगा। सपोज कर लो सेट ए की वैल्यू है 1, 2, 3, 4 और सेट बी की वैल्यू है 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इसमें दो तरह की बातों का डिस्कस करेंगे, एक तो रिलेशन क्या होता है और एक फंक्शन क्या होता है, क्योंकि दोनों में डिफरेंस जब तक नहीं क्लियर हो पाएगा तब तक रिलेशन और फंक्शन का डिस्कशन नहीं किया जा सकता। सपोज कर लो यहाँ पर सेट ए है और ये सेट बी है, इसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 एंड 4 और इसमें है 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब अगर 1 का रिलेशन 1 से है तो 3 से है, 2 का 5 से है, 2 का 6 से भी हो सकता है, 3 का 7 से हो सकता है। और एक दूसरा रिलेशन उसी सेट के लिए मैंने देखा, ये तो रिलेशन R रहा, तो इसको इस तरह डिनोट कर सकते हैं R, और ये फंक्शन है इसलिए इसको डिनोट कर सकते हैं यहाँ पर F। ये अगर 1, 2, 3, 4 है और यहाँ पर 4, 5, 6, 7, 8 है। अब अगर 1 का रिलेशन 1 से हो, 2 का 5 से हो, 3 का 6 से हो, 4 का भी 6 से पॉसिबल है, तो यहां पर देखेंगे ये जो रिलेशन R है इसकी वैल्यू है 1, 3, क्योंकि 1 का पेयर बन गया है 3 से, 2, 5, 2, 6 भी दिख रहा है, 3, 7। और यहां पर देखेंगे जो फंक्शन की वैल्यू है वो ऑर्डर पेयर में 1, 4, 1, 4, 3 भी इसमें कहीं है, 1, 4, 2, 5, 2, 5, 3, 6, 4, 6 भी है। तो आपने देखा यहां पर कि 1 का रिलेशन 2, 3 से, 2 का 5 से, 2 का 6 से और 3 का 7 से, तो इसमें यूनिक नहीं है। इसमें मैंने लिखा है कि यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, ये एसोसिएट करे सेट ए के एवरी एलिमेंट, सेट ए के एवरी एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए विच एसोसिएट यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो एवरी एलिमेंट इसमें नहीं है, पहली बात तो ये सभी एलिमेंट इसके इसके साथ एसोसिएट नहीं कर रहा है केवल, क्योंकि 4 छूट गया है इस वजह से भी ये फंक्शन नहीं है। और दूसरा रीजन इसका यह है कि एक एलिमेंट के एक ही इमेज होने चाहिए, जबकि इसमें एलिमेंट सेम एलिमेंट 2 के 5 और 6 दो इमेजेस हो गए हैं, इस वजह से ये रिलेशन हो जाएगा। लेकिन इसमें आप देखेंगे कि इसके सभी एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4 सभी एलिमेंट्स, कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो एक्स्ट्रा है, तो सभी एलिमेंट इंगेज हो गया, इस वजह से ये एवरी एलिमेंट का कंडीशन होल्ड कर रहा है, हैव यूनिक इमेज इन सेट बी। तो ये ए सेट है और यहाँ पर बी सेट आप देखेंगे कि यूनिक एलिमेंट, यानी कि 1 का इमेज 4 है, 2 का 5 है, 3 का 6 है और 4 का 6 है। तो आप देखेंगे यहाँ पर आप बोलेंगे कि 3 का भी 6 है, 4 का भी 6 है, लेकिन 3 का अकेले एलिमेंट है, इमेज है, और 4 का भी एक ही इमेज है, इसलिए इसको फंक्शन बोलेंगे। तो यही डिफरेंस है रिलेशन और फंक्शन का। Some more examples for function. Let a is equals to, या ऐसा कर ले कोई equation suppose कर ले, y is equals to 3x plus 5, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं f of x is equals to 3x plus 5,
तो इसका मतलब ये हो गया कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और इसकी वैल्यू 3x प्लस 5 है। तो अगर आप इसको एक्सप्लेन करेंगे तो ये इसका ये जो y की वैल्यू है, जैसे कि आप फंक्शन को डिनोट करते हैं एफ ऑफ एक्स टू वाई, तो आप देखेंगे कि x क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि ये x डोमेन है और y यहाँ कोडोमेन हो जाएगा, और y की यहाँ पर जो वैल्यू होगी वहां पर वो रेंज हो जाएगा, वेयर स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल x एंड स्मॉल y बिलोंग्स टू कैपिटल y। तो इस तरह के फंक्शन में अगर आपको डोमेन और रेंज निकालना हो तो पहले आपको डोमेन और रेंज बताया जाएगा, वेयर x बिलोंग्स टू n एंड y बिलोंग्स टू n। अगर इस तरह का कोई फंक्शन हो तो आपको ये n मतलब नेचुरल, n फॉर नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, तो इसको ये फंक्शन है या नहीं इसको चेक करना हो। अगर आप देखेंगे तो f की x की वैल्यू पुट करना, क्योंकि नेचुरल नंबर है 1 2 3 4, इस तरह की वैल्यू पुट करना है। तो देखिए जरा, तो f ऑफ 1 की वैल्यू अगर आपको निकालना हो तो x के प्लेस पर आप 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 3 into 1 plus 5, तो क्या हो गया, ये 8 हो गया। f ऑफ 2 की वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा, 2 की वैल्यू निकालना हो जाएगा तो 3 into 2 plus 5, तो ये हो जाएगा 11। तो ऐसे ही वैल्यू f ऑफ 3 एक और वैल्यू निकाल लेते हैं तो उसकी वैल्यू हो जाएगा 3 into 3 plus 5, तो ये 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका डोमेन तो आपको पहले से पता है, क्या पता है, डोमेन मतलब, डोमेन मतलब x। जब भी डोमेन की बात कोई करेगा तो x, सेट ऑफ x की बात करेंगे, तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और अगर को डोमेन की बात करेंगे तो ये y हो जाएगा, और ये को डोमेन क्या है आपका, सेट ऑफ नेचुरल नंबर यहाँ भी है। लेकिन रेंज की बात करेंगे तो रेंज में क्या क्या आया है ये देख लीजिए, रेंज में ये सब वैल्यूज आए हैं, तो ये सब वैल्यू है, तो रेंज केवल यही हो सकता है, 8 11 14। तो इस तरह का हो गया। अब आपको डिस्कस करना है हम लोगों को ग्राफिकल डिफिनीशन ऑफ फंक्शन, ग्राफिकल डिफिनीशन ऑफ फंक्शन। ग्राफिकल डिफिनीशन ऑफ फंक्शन, इसका डिफिनीशन है अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वाई एक्सिस, अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वाई एक्सिस विच इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट द गिवन कर्व या गिवन ग्राफ at a unique point, then graph represents a function. For example, कोई भी example देखते हैं, suppose कर लेंगे y is equal to x plus 5, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। इसका ग्राफ फिगर कैसा होगा, इसका फिगर किस तरह का होगा, इसका फिगर हो जाएगा इस तरह का, ये किस पॉइंट से जाएगा, 0.5 से जाएगा, ये आपका ग्राफ हो गया है। अब ये फंक्शन है या नहीं इसको डिसाइड करना है, तो आप क्या करेंगे, कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, कैसा लाइन ड्रॉ करना है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो आप देखेंगे कि यहाँ ये इस गिवन ग्राफ को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यूनिक पॉइंट पर, देन दिस रिप्रेजेंट अ फंक्शन। अब सेकेंड एग्जाम्पल देख लीजिए, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ग्राफिकल एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो इसका फिगर किस तरह का होगा, ये इस तरह का फिगर होगा। अब आप इसको पता करो कि ये फंक्शन है या नहीं, तो आप ड्रॉ करो ग्राफ, कोई भी लाइन ड्रॉ करने के वाई एक्सिस के, ये अगर फंक्शन को यूनिक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है तो ये फंक्शन होगा।
लेकिन यही फिगर इस तरह का अगर हो जाए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, थर्ड एग्जाम्पल, तो इसका फिगर इस तरह का बनेगा। तो अगर आप ये फंक्शन है या नहीं पता करने के लिए, तो वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये अगर ये गिवन कर्व को टू पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, नॉट अ फंक्शन विच इज विच वी कैन सी से दैट दिस ग्राफ इज अ रिलेशन। इसको आप रिलेशन बोल सकते हैं लेकिन ये फंक्शन नहीं हो सकता। तो इस तरह ग्राफिकली डिफाइन कर सकते हैं फंक्शन को। अब फंक्शन को ग्राफिकली डिफाइन करने के बाद आप डोमेन कैसे फाइंड किया जाता है ये पता करेंगे। इससे पहले रियल फंक्शन की बात करेंगे, क्योंकि रियल फंक्शन ही डिस्कस करना है पूरे 12th में। रियल फंक्शन, रियल फंक्शन, अ फंक्शन इज सेड टू बी, सेड टू बी रियल फंक्शन विच डोमेन, डोमेन एंड रेंज आर द सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, देन इट इज कॉल्ड अ रियल वैल्यूड फंक्शन। वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन का डिफिनेशन, रियल फंक्शन का डिफिनेशन, अ फंक्शन इज सेड टू बी रियल फंक्शन विच डोमेन एंड रेंज आर द सेट ऑफ रियल नंबर्स। यानी कि डोमेन भी रियल नंबर होना चाहिए, सेट ऑफ रियल नंबर होना चाहिए, और रेंज भी सेट ऑफ रियल नंबर होना चाहिए, तब इस तरह के फंक्शन को रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। अब इसके बाद जो भी फंक्शन डिस्कस किया जाएगा उसके डोमेन और रेंज ऑलवेज रियल होंगे, क्योंकि रियल वैल्यूड फंक्शन ही क्लास 12th में डिस्कस करना है। अब डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड डोमेन। हाउ टू फाइंड डोमेन ऑफ गिवन फंक्शन। पहले तो डोमेन के बारे में क्लियर कर लीजिए। द सेट ऑफ ऑल रियल एक्स, क्योंकि रियल वैल्यूड फंक्शन करना है तो इसलिए रियल वर्ड का ऑलवेज यूज किया जाएगा। ऑल रियल एक्स फॉर विच विच रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट अ रियल वैल्यू ऑफ रियल फंक्शन। यानी कि सेट ऑफ ऑल रियल एक्स को आप डोमेन कहेंगे। हमेशा एक्स की जो भी वैल्यू होगी वो भी रियल होगा, तो ये आपका डोमेन हो जाएगा, ये डोमेन हो जाएगा। अब मेथड इसका क्या है ये पता करें। मेथड, बहुत सारे मेथड्स होते हैं, डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मेथड, द एक्सप्रेशन अंडर इवन रूट्स, इवन रूट्स मीन्स व्हाट इज इवन रूट्स, स्क्वायर रूट इवन रूट हो सकता है, फोर्थ रूट हो सकता है, सिक्स रूट हो सकता है, एटसेट्रा, इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। आर इक्वल टू जीरो मतलब इवन रूट की वैल्यू, इवन रूट में जो भी हो वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। फॉर एग्जाम्पल देख लेंगे, फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लो एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, ये है वाई की वैल्यू, ये कोई फंक्शन है। अब इसके डोमेन को पता करना है तो ये किस तरह का रूट है, स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट का मतलब ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा,
तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। अब इसका आप फैक्टर कर सकते हैं, फैक्टर करके देखिए एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री हो जाएगा फैक्टर। अब इसके दो क्रिटिकल पॉइंट होंगे, एक क्रिटिकल पॉइंट होगा माइनस टू और दूसरा क्रिटिकल पॉइंट होगा माइनस थ्री। इसको वेबी कर्व का यूज करके, हालांकि वेबी कर्व मैं इसी टॉपिक में इसी ऑर्डर में आगे डिस्कस भी करूंगा, फिर भी वेबी कर्व है मेथड माइनस थ्री और माइनस टू ऑर्डर में डिनोट करके और इस तरह का वेबी कर्व बना लेंगे। ऊपर वाली वैल्यू को पॉजिटिव बोलेंगे, नीचे को निगेटिव बोलेंगे, तो आप देखेंगे कि ऊपर वाली पॉजिटिव वैल्यू डिनोट करता है, ग्रेटर देन जीरो का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू। तो पॉजिटिव वैल्यू में ये डोमेन की वैल्यू हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू माइनस थ्री यूनियन माइनस टू टू प्लस इन्फिनिटी। दिस इज द डोमेन ऑफ गिवन फंक्शन। फिर सेकेंड मेथड है, सेकेंड डिनोमिनेटर, डज नॉट इक्वल टू जीरो। डिनोमिनेटर नेवर जीरो, कभी भी जीरो नहीं कर सकते। डिनोमिनेटर अगर जीरो हो जाएगा तो वो फंक्शन डिफाइन नहीं हो पाएगा, इसलिए डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है चाहे वाई है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, ये वैल्यू अपन वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन है, तो ये जो वैल्यू है ये सभी एक्स की सभी वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, लेकिन डिनोमिनेटर किस पॉइंट पर जीरो हो जाएगा, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वन डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वन नहीं हो सकता, तो ये नहीं होगा, बाकी सभी रियल नंबर हो सकता है। तो इस तरह डिनोमिनेटर इज नॉट कैन नॉट बी जीरो। थर्ड रूल, थर्ड रूल, इफ डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, विच इज टू फंक्शन एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर डी वन एंड डी टू रेस्पेक्टिवली, डी वन एंड डी टू, टू फंक्शन एफ ऑन एफ एंड जी having domain d1 and d2, then domain of f of x plus minus g of x, चाहे plus करो या minus करो या multiply भी कर सकते हैं, f of x multiply by g of x is always d1 intersection d2, d1 और d2 का intersection निकाल लेंगे तो ये इसका डोमेन हो जाएगा। फोर्थ लास्ट, इफ ये ऐसे लिख देंगे, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स इज, इसका भी डोमेन डी वन इंटरसेक्शन डी टू होगा, बट उसमें से कुछ कंटेंट माइनस हो जाएंगे। क्या माइनस होगा, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, यानी कि जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो नहीं कर सकते आप, इस वजह से उसको माइनस कर देंगे, जी ऑफ एक्स के केसेस को माइनस कर देंगे। तो इस तरह आप डोमेन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये पता करें रेंज कैसे निकाला जाता है। द सेट ऑफ ऑल रियल वाई फॉर रियल एक्स, यानी कि एक्स वाई की सभी रियल वैल्यू, और वो सभी रियल वैल्यू कहीं से भी नहीं आएगा, रियल एक्स की वैल्यू, रियल यानी कि एक्स की सभी रियल वैल्यूज पुट करने से जो वैल्यू आए वाई की, वो रियल वैल्यू है, वो होता है इज सेट टू बी लेट सेट ऑफ लेट नहीं द सेट ऑफ ऑल रियल वाई फॉर रियल एक्स इज कॉल्ड द रेंज, ठीक है। अब इसके रूल्स क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड डोमेन,
डोमेन ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ऐसा लिख सकते हैं फंक्शन, एक कोई फंक्शन है वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसके पहले डोमेन निकालो। अब देखिए आगे क्या करते हैं, इसके आगे क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर वन, इफ डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज नंबर ऑफ फाइनाइट सेट या फाइनाइट पॉइंट, पॉइंट्स, देन रेंज इज द करेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ वाई फॉर गिवेन एक्स। यानी कि अगर फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स डोमेन है तो रेंज क्या होगा, करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ वाई फॉर गिवन एक्स। अगर सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दे दिया है 2x + x² + 5, ऐसा कुछ लिख दिया है, और एक्स की वैल्यू डोमेन दे दिया गया है, डोमेन आपका दे दिया गया है क्या, एक्स बिलोंग्स टू दे दिया गया है 1, 2, 3। तो अगर आपको रेंज निकालना है तो रेंज आप निकाल लेंगे एफ ऑफ वन की जो वैल्यू आएगा, एफ ऑफ टू की वैल्यू आएगा, एफ ऑफ थ्री की वैल्यू आएगा, वो रेंज हो जाएगा। एफ ऑफ वन क्यों भाई निकाल रहे हैं, क्योंकि डोमेन यही है, रेंज उसी से निकल सकता है, और कोई पॉइंट है नहीं तो उसी से नहीं निकलेगा। तो अब आप एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये 7 हो जाएगा, और एक्स एफ ऑफ एक्स में 2 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये 2² + 5 हो जाएगा, तो ये 13 हो जाएगा। फिर एफ ऑफ 3 निकालना है तो 2 × 3² + 5, तो ये 23 हो जाएगा। तो ये रेंज आपका क्लियर हो गया 7, 13 and 23, तो ये रेंज हो जाएगा। तो गिवन करस्पॉन्डिंग पॉइंट के लिए, नंबर ऑफ पॉइंट्स के लिए करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ वाई हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रेंज। सेकंड मेथड, सेकेंड मेथड, इफ डोमेन ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस सम पॉइंट्स और सम इंटरवल या फाइनाइट इंटरवल, देन एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई एंड देन फाइंड value of x for real y by using real roots method, real roots method। ये कौन सा method है, if domain of y is equal to f of x कोई function हो, देन जैसे ऐसे हो, डोमेन क्या हो, एक्स बिलोंग्स टू आर मतलब ऑल रियल नंबर, माइनस सम पॉइंट्स हो, पॉइंट हो सकते हैं आर में से कुछ पॉइंट कम हो सकता है, या फाइनाइट नंबर, फाइनाइट कोई इंटरवल हो, तो इस तरह से फंक्शन को क्या करना चाहिए, एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, एक्स की वैल्यू वाई के टर्म में निकाल लेना चाहिए, और फिर फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स फॉर रियल वाई बाई यूजिंग रियल रूट्स, वैल्यू ऑफ एक्स ना करके वैल्यू ऑफ वाई कर लो, फॉर रियल एक्स कर लो, फॉर बाय यूजिंग रियल रूट्स। तो ये मेथड है। अब इसके लिए एक कोई एग्जांपल देखेंगे,
सपोज कर लो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू इस तरह दिया हो, एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टेन है। अब इस तरह के फंक्शन का पहले डोमेन निकालेंगे, तो डोमेन क्या, इस तरह के फंक्शन का डोमेन निकालने का मेथड क्या होता है, इस तरह के फंक्शन का, मैंने जब भी फ्रैक्शन रेशनल फंक्शन हो तो इस तरह के फंक्शन का डोमेन निकालने का फार्मूला होता है आर माइनस एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस डिनोमिनेटर, नॉट डिनोमिनेटर इज इक्वल टू जीरो, तो फैक्टर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर बाई एक्स माइनस टू और एक्स माइनस फाइव, प्लस फाइव कर दें तो ठीक रहेगा, तो एक्स माइनस टू एक्स प्लस फाइव इसका फैक्टर कर, इसका फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो डिनोमिनेटर किस किस पॉइंट पर जीरो होगा, एक तो माइनस फाइव पर जीरो हो सकता है और एक टू पॉइंट पर जीरो हो सकता है, क्योंकि माइनस फाइव रखेंगे तो ये डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा और टू भी रख देंगे तो भी डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, तो ये इसका डोमेन है। तो इस तरह के फंक्शन का अगर रेंज निकालना हो तो इसको वाई लेट कर लेना चाहिए क्वेश्चन को, ये भी तो डोमेन निकाला हम लोगों ने, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टेन। अब इसमें एक्स की वैल्यू वाई के टर्म में फाइंड करना है, x की वैल्यू y के टर्म में निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे वाई एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स वाई माइनस टेन वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर। अब आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालना है मुझे, तो चलो एक्स स्क्वायर के हायर डिग्री को पहले रखते हैं, तो ये हो जाएगा y माइनस वन एक्स स्क्वायर, फिर इसके बाद माइनस थ्री एक्स वाई, फिर इसके बाद माइनस x, इसके बाद माइनस टेन वाई प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, तो ये क्वाड्रेटिक हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया। तो फॉर रियल x के लिए क्या फार्मूला है, रियल x तो रियल ही होगा ना, क्योंकि रियल वैल्यू फंक्शन है, तो इस रियल x के लिए डिनोमिनेटर इसका क्या, डिस्क्रिमिनेंट इसका क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होगा तो इसका फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। बी स्क्वायर मीन्स का क्या होता है, माइनस थ्री वाई का होल स्क्वायर माइनस फोर, ए की वैल्यू हो जाएगा वाई माइनस वन और सी की वैल्यू हो जाएगा फोर माइनस टेन वाई विच इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये नाइन वाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस फोर, इसको मल्टीप्लाई कर दो फोर वाई माइनस टेन वाई स्क्वायर माइनस फोर प्लस टेन वाई विच इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, नाइन वाई स्क्वायर। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा इसमें प्लस फोर्टी वाई स्क्वायर और इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो प्लस सिक्स हो जाए, फोर्टीन हो जाएगा और फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस फिफ्टी सिक्स वाई हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई किया तो प्लस सिक्सटीन इज इक्वल टू ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। तो अब इसको इन दोनों को ऐड कर देंगे तो फोर्टी नाइन वाई स्क्वायर माइनस फिफ्टी सिक्स वाई प्लस सिक्सटीन वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। अब इसमें वाई की वैल्यू फिर से फाइंड कर लेंगे हम लोग, वाई की दो वैल्यू आएगा अगर इसके रूट्स वाई वन एंड वाई टू हो तो इसके रेंज हो जाएंगे, रेंज हो जाएंगे, रेंज वाई बिलोंग्स टू हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू वाई वन यूनियन वाई टू टू इन्फिनिटी वेयर वाई वन लेस देन वाई टू। तो इस तरह का हम लोगों ने रेंज फाइंड करने का ये मेथड होता है, ठीक है। देन थर्ड मेथड टू फाइंड रेंज, इफ डोमेन ऑफ डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज एक्स बिलोंग्स टू फाइनाइट इंटरवल्स देन फाइनाइट इंटरवल हो जाए देन फाइंड फाइंड लिस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड लिस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यूज ऑफ
of y for given x, and then range yani ki y belongs to interval या तो क्लोज हो या तो ओपन इंटरवल हो, यहाँ लिस्ट वैल्यू हो जाएगी और यहाँ हो जाएगा ग्रेटेस्ट वैल्यू, यानी लिस्ट टू ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो इस तरह का रेंज निकालने का ये सेकंड मेथड होता है। अब इसके लिए भी कोई एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज कर लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 है, ठीक है। तो ये एक तरह से कंटिन्यूअस फंक्शन है। इसका डोमेन निकालने का, इस पहले डोमेन निकाल लीजिए। डोमेन निकालने के लिए लिस्ट फार्मूला है, लिस्ट वैल्यू हो जाता है इसका, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक का कर्व होता है पैराबोलिक, और इसमें एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला होगा। तो ये लिस्ट वैल्यू यही हो जाएगी, ये लिस्ट वैल्यू होगी। लिस्ट वैल्यू निकालने के बहुत सारे मेथड्स हैं। परफेक्ट स्क्वायर बना करके भी निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट फार्मूला वर्टेक्स पैराबोला का, वर्टेक्स का फार्मूला निकाल करके भी किया जा सकता है। तो हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बना करके कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसका हाफ कर देंगे 3/2, 3x प्लस 3/2 का स्क्वायर हो जाता है 9/4, माइनस 9/4 प्लस 4। तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3/2 होल स्क्वायर, एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा प्लस 7/4। ये वाई की वैल्यू हो गया। तो इसका डोमेन हो जाएगा, इसकी लिस्ट वैल्यू हो जाएगा, ये इसको जीरो कर देंगे तो लिस्ट वैल्यू हो जाएगा 7/4। तो इसका रेंज डायरेक्ट निकल जाएगा, रेंज कितना हो जाएगा 7/4 टू इन्फिनिटी, क्योंकि ये हाईएस्ट वैल्यू इसकी क्या होगी, इन्फिनिटी तक जाएगा, तो ये इन्फिनिटी हो गया। तो इसका ये रेंज निकल जाएगा। तो रेंज और डोमेन को हम लोगों ने डिस्कस किया, और इसके सबके रूल्स को भी डिस्कस किया। अब आप रेंज और डोमेन निकालते समय कुछ डिफरेंट स्टैंडर्ड फंक्शन के डोमेन और रेंज को नोट कर लीजिए, जिसे मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले तो फंक्शन होता है, और फंक्शन को दो टाइप से डिवाइड किया गया है, एक एल्जेब्रिक और दूसरा ट्रांसडेंटल। एल्जेब्रिक में क्या होता है, इसको डिस्कस करेंगे। एल्जेब्रिक में कितने टाइप के फंक्शन होते हैं, एक तो होता है पॉलिनोमियल फंक्शन, दूसरा हो जाता है रेशनल फंक्शन, रेशनल इरेशनल, और एक लास्ट में हो जाता है पीसवाइज। एल्जेब्रिक फंक्शन इतने टाइप्स के होते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, इरेशनल फंक्शन एंड पीसवाइज फंक्शन। अब डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन के डोमेन और रेंज क्या होते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन को दो टाइप से डिफाइन किया, कभी भी कभी पॉलिनोमियल इवन डिग्री के होते हैं और कभी ऑड डिग्री के होते हैं। जब इवन डिग्री के ऑड डिग्री का होगा तो क्या करेंगे, अब अगर इसमें ये ऑड डिग्री हो जाए, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल हो जाए तो इसके डोमेन जो होगा, एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, और रेंज हो जाएगा वाई बिलोंग्स टू, ये डिसाइड नहीं कर सकते, इसकी लिस्ट वैल्यू निकालना पड़ेगा, लिस्ट वैल्यू टू इन्फिनिटी, लिस्ट वैल्यू टू इन्फिनिटी। नाउ इवन, सॉरी, ये रेंज हो जाएगा, ये भी ऑल रियल नंबर हो जाएगा, क्योंकि ऑड डिग्री है, ऑड डिग्री में दोनों रियल वैल्यू नंबर हो जाएगा। और अगर इवन डिग्री हो जाए, इवन डिग्री अगर हो जाए, तो इसका जो डोमेन होगा, एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, और रेंज हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू लिस्ट वैल्यू टू इन्फिनिटी,
लीस्ट वैल्यू टू इन्फिनिटी, ये डोमेन हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। तो ऑड डिग्री के लिए याद रखना है, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल के लिए डोमेन ऑल रियल नंबर, रेंज भी ऑल रियल नंबर, लेकिन इवन डिग्री के लिए डोमेन तो ऑल रियल नंबर होगा लेकिन रेंज लीस्ट वैल्यू टू इन्फिनिटी तक जाएगा। उसके बाद रेशनल फंक्शन की बात करेंगे। अब एग्जाम्पल भी देख लेंगे, क्योंकि एग्जाम बिना एग्जाम्पल के डिस्कस करना सही नहीं है। अगर आप एक कोई फंक्शन ले लिया आपने y f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये कैसा डिग्री है? इवन डिग्री है, इवन डिग्री है। और दूसरा कोई फंक्शन ले लिया आपने f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो ये क्या है? ऑड डिग्री है। अब आप इसका ग्राफ देखेंगे तो इस तरह जाएगा, तो इसकी लिस्ट वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। इसलिए इसका डोमेन तो हो जाएगा ऑल रियल नंबर, क्योंकि ये चारों तरफ फैला है x एक्सिस की हर, मतलब कि ग्राफिकली अगर डोमेन रेंज निकालना हो आपको, तो ये सबसे अच्छा मेथड है कि देखना होगा कि ग्राफ आपका x एक्सिस पर कितना फैला है। अगर ग्राफ x एक्सिस पर ऑल एवरीवेयर फैला है तो ये ऑल रियल नंबर हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये ग्राफ आपका जा रहा है और x एक्सिस पर कितने दूर तक जा सकता है? प्लस इन्फिनिटी तक जा सकता है। और इस लेफ्ट साइड में कितना दूर तक जा सकता है? माइनस इन्फिनिटी तक जा सकता है। तो ये इसका क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा। तो डोमेन को आपने इसका क्या डिसाइड कर दिया? डोमेन इसका डिसाइड किया आपने एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। और रेंज की बात कोई करे, रेंज मतलब कि कोई भी फंक्शन या कोई भी ग्राफ वाई एक्सिस पर कितना एक्सटेंड हुआ है, तो आप देखेंगे कि ये वाई एक्सिस पर ओरिजिन से केवल अपवर्ड में ही है, डाउनवर्ड में नहीं है इसका ग्राफ, यानी कि इसकी वैल्यू जीरो टू पॉजिटिव वैल्यू की तरफ केवल होगा, निगेटिव वैल्यू की तरफ नहीं है। तो इसका रेंज हो जाएगा y belongs to 0 to infinity। तो आप ये भी कह सकते हैं कि even valued function के लिए आप देख रहे हैं कि domain तो all real number होगा, क्योंकि even value में domain all real number बताना है, बताया है मैंने। और range को क्या बताया मैंने? Range को बताया कि ये value least value to infinity होगी। तो least value इसका क्या दिख रहा था? 0 और 0 to infinity, यानी कि ये हो गया even value invalid degree function के लिए। अब odd degree function का इसका graph आप देखेंगे इस तरह का होता है। तो आप देखेंगे कि इस ग्राफ में x की वैल्यू कितना है? x की वैल्यू इधर पॉजिटिव साइड में ऑल रियल नंबर की तरफ, मतलब प्लस इनफिनिटी की तरफ गया है, और नेगेटिव की तरफ माइनस इनफिनिटी तक। तो ये हो जाएगा इसका डोमेन, हो जाएगा x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, और रेंज भी हो जाएगा y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। तो ये मैंने डिस्कस किया पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन और रेंज। उसके बाद रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन किस तरह का होता है? रेशनल फंक्शन होता है f ऑफ x बाई g ऑफ x, इस मेथड इस फॉर्मेट में होगा। तो आप देखेंगे कि ये डिनोमिनेटर जीरो कभी भी नहीं होगा, तो इसका डोमेन हो जाएगा, इसका डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन ऑफ, इसका डोमेन हो जाएगा x belongs to g of x is equal to 0, यानी g of x की वैल्यू को, सॉरी x belongs to r minus, यानी कि ऑल रियल नंबर में से आप किसको माइनस कर देंगे? g of x is equal to 0 को, यानी g of x is equal to 0 पॉसिबल नहीं है। तो ये हो जाता है रेशनल फंक्शन। और इरेशनल फंक्शन का हम लोगों ने डिस्कस किया, इरेशनल फंक्शन का मैंने डोमेन में पहले बताया कि ऑल इवन रूट्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। अगर यहां पर इवन रूट्स हो तो ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होगा। अगर ऑड रूट्स हो, रूट्स ही तो होता है इरेशनल, ऑड रूट्स हो तो कैनॉट से, इसके लिए आप नहीं डिसाइड कर सकते कि ये वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसके लिए फिर सिचुएशन और मतलब कि उस सिचुएशन को वॉच करना पड़ेगा या डिस्कस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि किस तरह से इसका डोमेन निकाला जा सकता है। तो वो अलग स्थिति के अनुसार, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग उस समय काम किया जाएगा। अब उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज फंक्शन इम्पॉर्टेंट होता है।
और पीस वाइज फंक्शन से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, क्योंकि पीस वाइज फंक्शन में बहुत सारी फंक्शन और भी उसमें इन्वॉल्व होता है पीस वाइज। पीस वाइज फंक्शन देखिए, पीस वाइज फंक्शन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन सबको पता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स होता है, और मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ इस तरह का होता है, तो इसका जो डोमेन होगा एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर होगा, और रेंज हो जाएगा वाई बिलोंग्स टू 0 to infinity। फर्स्ट मॉडुलस फंक्शन, सेकेंड हो जाएगा सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू -1, ये ऐसे लिख देते हैं मॉड ऑफ एक्स बाई एक्स और एक्स बाई मॉड ऑफ एक्स, या इसको ऐसे भी लिख देते हैं 1 व्हेन एक्स -1, व्हेन एक्स लेस देन 0, 0 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, एंड +1 व्हेन एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0। तो इस फंक्शन का डोमेन हो जाएगा x belongs to all real number, range हो जाएगा y belongs to only three numbers -1, 0 and 1, signum function। Now third, greatest integer function, greatest integer function, a function f of x is equal to denoted by box of x is called greatest integer function. Domain of this function, x belongs to all real number and range v, y belongs to integer, set of integer, integers, set of integers, and fourth b, least integer function, least integer function, this function is denoted by f of x is equals to small box of x, and domain of this function, x belongs to all real number, a range b, y belongs to integers, z, set of integers, next fractional part of function, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है, द फंक्शन इज डिनोटेड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कर्ली ब्रैकेट, एंड डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एंड रेंज बी, वाई बिलोंग्स टू 0 टू क्लोज इंटरवल 0 टू ओपन इंटरवल 1, close interval 0 to open interval 1. This all are piecewise function and part of algebraic function. Now next, transcendental function. Second part of function, transcendental function. Transcendental function. This function further divided into four parts. First, trigonometric function. Trigonometric function are sine function, y is equal to six type function. F of x is equals to sine x. Second, f of x is equals to cos x,
थर्ड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू टेन एक्स, फोर्थ कॉट एक्स, फिफ्थ सेक एक्स, एंड सिक्स्थ बी कॉसेक एक्स। डोमेन ऑफ साइन एक्स बी एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एंड वाई बिलोंग्स टू माइनस वन टू प्लस वन, एंड डोमेन ऑफ कॉस एक्स बी एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एंड रेंज बी वाई बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन, डोमेन ऑफ टेन एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस टू एन प्लस वन पाई बाई टू एंड रेंज बी ऑल रियल नंबर, डोमेन ऑफ टेन एक्स एक्स बिलोंग्स टू एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस टू एन पाई एंड वाई बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, डोमेन ऑफ सेक एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस टू एन प्लस वन पाई बाई टू sec x sin by cos, right? And y belongs to r minus open interval minus 1 to 1 open interval, and domain of cos x x belongs to r minus 2 n pi and range b y belongs to r minus open interval minus 1 to 1 open interval minus 1 to 1. So ye ho gaya trigonometric function. And second be inverse trigonometric function. ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक चैप्टर भी है, अपने सेकंड चैप्टर है इसमें आपके क्लास ट्वेल्थ में, तो इस रिलेशन फंक्शन के बाद यही चैप्टर डिस्कस किया जाएगा, पहले इसका डोमेन रेंज डिस्कस है क्योंकि इसका यूज कर सकते हैं हम लोग डोमेन रेंज निकालते समय। तो इसमें होता है, ये भी सिक्स टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, sec inverse x, cosec inverse x. Domain of this function be minus pi by 2, minus 1 to 1, and range be minus pi by 2 to plus pi by 2, minus pi by 2 to plus pi by 2, and domain of cos inverse x, x belongs to minus 1 to 1, and y belongs to 0 to pi. Domain of tan x, x belongs to all real number and y belongs to open interval minus pi by 2 to plus pi by 2. Domain of cot inverse x, x belongs to all real number and y belongs to 0 to pi. 0 to pi, 0 to मतलब open interval में रहेगा यही, इसमें थोड़ा difference है कि अगर ये क्लोज इंटरवल में रहता है और ये ओपन इंटरवल में रहता है। डोमेन ऑफ सेक इनवर्स एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस माइनस वन टू वन एंड रेंज बी जीरो टू पाई, फुल क्लोज इंटरवल जीरो टू पाई एक्सक्लूड ऑफ पाई बाई टू जिसको एक्सक्लूड किया है उसको आप कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे। इसमें से जीरो टू पाई बाई टू होगा लेकिन उसमें से पाई बाई टू को आप हटा देंगे। फिर इसके बाद होता है, इसका भी डोमेन होता है एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस माइनस वन टू वन एंड इसका रेंज हो जाएगा माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू और इसमें एक्सक्लूड करना होता है जीरो। तो ये इसके डोमेन रेंज जिसको आप इजिली याद रखेंगे और इसके हेल्प से आप स्टैंडर्ड वैल्यूज है डोमेन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शन,
थर्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए टू द पावर एक्स इज सेड टू बी एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड डोमेन ऑफ दिस फंक्शन बी एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज वाई बिलोंग्स टू जीरो टू ओपन जी ओपन इंटरवल जीरो टू इन्फिनिटी. फोर्थ लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन इज डिनोटेड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए वेयर एक्स ग्रेटर देन जीरो ए ग्रेटर देन जीरो एंड ए नॉट इक्वल टू वन. ठीक ना, इसका डोमेन अगर आपको फाइंड करना है तो डोमेन तो यहीं से दिख रहा है एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू इन्फिनिटी, एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू इन्फिनिटी और इसका रेंज हो जाता है वाई बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर. तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन की डोमेन रेंज हो गया. उसके बाद लास्ट नंबर ऑफ फंक्शन होता है कर्व, एलजेब्रिक कर्व. फिफ्थ होता है एलजेब्रिक कर्व. कर्व्स दीज आर, इसमें बोल सकते हैं कि और इतना दीज आर मे आर मे नॉट बी फंक्शन. ये कोई जरूरी नहीं है कि ये फंक्शन होगा ही, जब फंक्शन हो या ना हो तो फिर इसका डोमेन रेंज निकालना उस सिचुएशन पर डिपेंड करेगा. तो ये सब हो गया फंक्शन और फंक्शन का टोटल डिफिनेशन. अब आपको एक मेथड बताता हूँ, वेबी कर्व मेथड. इसको आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको डोमेन रेंज निकालने में ईजी रहेगा. फंक्शन का डिफिनेशन, डोमेन रेंज मैंने डिस्कस कर दिया. अब आप एक को इम्पॉर्टेंट मेथड बताऊंगा, वेबी कर्व मेथड. ये एक ऐसा मेथड है जिसको डोमेन रेंज निकालने में बहुत ही आसानी होती है, जिसके हेल्प से आप बिना कुछ वर्क किए, बिना दिमाग, कम से कम दिमाग में लगाए आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. तो ये कोई वो थ्योरम नहीं है, नहीं किसी मैथमेटिशियन का कोई रूल है. ये एक मेथड है जिसके हेल्प से क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हैं. सपोज कर लो लेट एफ ऑफ एक्स बी को एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं. एग्जाम्पल को ही सॉल्व कर लेंगे, आपका सब काम हो जाएगा. Be a real valued function. F of x be a real valued function such that f of x is equals to, suppose कर लो x square, x plus 5 का whole square, x minus 1 का whole power 20. suppose कर लो बहुत बड़ा power कर दिया मैंने, यहाँ पर कर दीजिए x प्लस टू होल टू द पावर 15 कर दिया मैंने, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस वन कर दिया होल पावर 10 कर दिया, ऐसे एक्स माइनस टू कर दिया होल पावर 9 कर दिया. अगर इस तरह के कोई क्वेश्चन दे दिया मैंने, देन आपसे कोई बोलेगा फाइंड डोमेन, डोमेन फॉर विच. अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बना दिया, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो. सेकेंड क्वेश्चन बना दिया मैंने, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर लेस देन आर इक्वल टू जीरो. थर्ड क्वेश्चन बना दिया मैंने, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो. फोर्थ क्वेश्चन बना दिया मैंने, एफ ऑफ एक्स लेस देन जीरो. अब इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है एक ही क्वेश्चन में. एक ही क्वेश्चन में मैंने चार क्वेश्चन बना दिए, इसको सॉल्व करना. अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करने आपको आ गया तो डोमेन किसी तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व निकाल कर सकते हैं, निकाल सकते हैं. तो इसके स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स.
आप सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स निकालें। क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब ये होता है कि ये सभी ब्रैकेट्स किस किस पॉइंट पर जीरो आ जाते हैं। तो ये किस पॉइंट पर जीरो आ जाएगा, इसमें क्या पुट करें तो जीरो आ जाएगा। एक्स प्लस फाइव की वैल्यू जीरो कर दें तो क्या हो जाएगा, माइनस फाइव हो जाएगा। फिर इसको जीरो से इक्वेट कर देंगे तो वन हो जाएगा, इसको जीरो से इक्वेट कर देंगे तो माइनस टू हो जाएगा, नीचे वाले को जीरो से इक्वेट कर देंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, फिर आगे चलेंगे तो ये माइनस वन और ये टू हो जाएगा। इतने क्रिटिकल पॉइंट्स होगा एंड डिनोट दीज पॉइंट्स आर नंबर 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 लाइन। सेकेंड स्टेप हो जाता है डिनोट दीज पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन इस सबको नंबर नंबर लाइन पर डिनोट करो। तो आपने एक नंबर लाइन डिनोट कर लिया और इस पे आप देखेंगे कौन कौन से पॉइंट्स है। ऑर्डर में लिखना होगा, सबसे छोटा क्या है, माइनस फाइव, उसके बाद क्या है, माइनस फाइव के बाद माइनस टू, माइनस टू प्लस टू, ये माइनस टू नहीं होगा, ये प्लस टू होगा क्योंकि ये एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो होता है, एक्स इज इक्वल टू टू होगा। उसके बाद होगा आपका माइनस टू, माइनस टू के बाद आपको मिलेगा माइनस वन, माइनस वन के बाद जीरो मिलेगा, वन एंड टू, इस तरह डिनोट कर लिया। अब आप देखेंगे सबसे पहले आपको सबसे राइट साइड में एक पॉइंट मिलेगा टू, टू पॉइंट इस क्रिटिकल इस आपके जो गिवन क्वेश्चन में है उसमें टू क्रिटिकल पॉइंट कहाँ मिलेगा, प्लस टू है ये, प्लस टू आपको यहाँ पर मिलेगा, एक्स माइनस टू होल पावर नाइन यहाँ पर मिलेगा। और अब इस पर चेक करेंगे कि ये इस पर जो डिग्री है वो इवन है कि ऑड है, तो ये डिग्री क्या है, ऑड है। तो वेबी कर्व आपका लेफ्ट साइड से ऊपर की तरफ से ऑलवेज आएगा चाहे किसी भी तरह का क्वेश्चन हो। अब जब टू पर आ गया तो ये ऑड था, तो ये कर्व इसको इंटरसेक्ट करके अपने नेबरहुड पॉइंट पर पहुंचेगा। कौन सा नेबरहुड पॉइंट है, वन, आप वन पर पहुंच गए, वन आपको इसमें कहीं मिलेगा, देखो यहाँ पर टू है, 20 पावर है, x माइनस वन होल पावर 20, और ये 20 पावर जो है कि ये इवन है तो ये इसको इंटरसेक्ट लाइन को नहीं कर पाएगा, रिफ्लेक्ट होकर अपने नेबरहुड पॉइंट पर आ जाएगा, यानी आप जीरो पर आ गए। जीरो कहाँ से मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, जीरो यहाँ पर मिल गया, यानी कि ये इस पर भी इवन पॉइंट है तो ये भी इसको इस पार नहीं जा पाएगा, यहीं से वापस आ करके फिर अपने दूसरे नेबरहुड पॉइंट पर आएगा। माइनस वन, माइनस वन नेबरहुड पॉइंट कहाँ से मिला, ये टेन आया, ये भी आपका इवन ही है, ये भी इसको रिफ्लेक्ट ही करके यहाँ पर पहुँचाएगा। अब आप यहाँ पर आ गए प्लस माइनस टू पर आ गए, माइनस टू पर पॉइंट क्या है, पावर क्या है, डिग्री क्या है, ये डिग्री है ऑड डिग्री। ऑड डिग्री अगर आ गया इस पर, तो ऑड डिग्री आ गया तो फिर इसको ये रिफ्लेक्ट नहीं होगा, इंटरसेक्ट करके अपने नेबरहुड पॉइंट पर पहुँचेगा। और अगर इंटरसेक्ट करके कहाँ पहुँच गया, माइनस फाइव पर, इस पर पावर कितना है, टू है, और टू इवन है तो फिर इसके यहाँ से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह का आपका वेबी कर्व बच जाएगा। ध्यान रखेंगे मेथड क्या है, जब भी आपका पावर क्या हो, इवन हो तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और पावर ऑड हो तो इंटरसेक्ट करेगा वेबी कर्व। अब आप देखेंगे कि ऊपर वाली जितनी भी लाइन के अपसाइड वाली वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी और लाइन के डाउन साइड वाली वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। अब आपको फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। ग्रेटर देन आर इक्वल, ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या है, पॉजिटिव वैल्यू शो करता है, तो पॉजिटिव वैल्यू ये सब है, पॉजिटिव वैल्यू ये सब है, तो इसमें इसका डोमेन हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू, कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से आ रहा है, और कहाँ पर पहुँच गया, माइनस फाइव पर पहुँच गया। माइनस फाइव कहाँ है, इसमें खोजिए, माइनस फाइव न्यूमरेटर में है, न्यूमरेटर में है तो यहाँ पर क्लोज इंटरवल। फिर प्लस आपको यहाँ से भी मिलेगा यहाँ तक, कहाँ से, यूनियन करके करेंगे, माइनस फाइव टू कहाँ तक, माइनस टू तक। माइनस टू आपको कहाँ मिलेगा इसमें, ये भी आपको न्यूमरेटर में ही मिल जाएगा, यहाँ भी आपका क्लोज इंटरवल भी होगा। फिर यूनियन कर लो, फिर उसके बाद फिर और कहीं पॉजिटिव वैल्यू मिला, यहाँ मिला पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ मिला तो ये कहाँ से मिला, टू से मिला। तो टू कहाँ मिलेगा आपको, न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में मिलेगा। जब भी कोई वैल्यू डिनोमिनेटर में मिलता है तो यहाँ पर ओपन इंटरवल होता है, और जब भी कोई वैल्यू न्यूमरेटर में मिलता है तो ये क्लोज इंटरवल में होता है। और ये कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इन्फिनिटी पर ऑलवेज ओपन रहेगा, तो ये फर्स्ट वाले का सोल्यूशन हो जाएगा। फिर सेकेंड को अगर सॉल्व करना है,
एफ ऑफ एक्स लेस देन आर इक्वल टू जीरो, तो इसमें एक्स बिलोंग्स टू लेस देन जीरो क्या डिनोट करता है, लेस देन जीरो डिनोट करता है निगेटिव वैल्यू। निगेटिव वैल्यू आपको देखना है कहाँ कहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा, ये सब निगेटिव वैल्यू है। कहाँ से? माइनस टू से। माइनस टू कहाँ मिलेगा आपको? माइनस टू ऊपर मिलेगा, इसलिए क्लोज इंटरवल। फिर कहाँ तक जाएगा? माइनस वन तक। माइनस वन कहाँ मिलेगा आपको? नीचे मिलेगा डिनोमिनेटर पर। जब भी जो नीचे मिले वहाँ ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल मतलब स्मॉल ब्रैकेट, और क्लोज इंटरवल मतलब, क्लोज इंटरवल मतलब स्क्वायर ब्रैकेट, यूनियन। फिर माइनस वन से जीरो तक जाएगा, जीरो भी आपको डिनोमिनेटर में ही मिलेगा, तो फिर यहाँ भी क्या होगा? ओपन इंटरवल होगा। और फिर जीरो से वन तक, वन कहाँ मिलेगा? न्यूमरेटर में मिलेगा, तो यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। फिर यूनियन वन से टू तक, टू कहाँ मिलेगा? डिनोमिनेटर में मिलेगा, तो टू पर फिर क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर अगर आपको, अगर अच्छे से बेबी कर्व क्लियर ना हो पाए तो फिर डाउट में भी आप डाउट कर सकते, डाउट पूछ सकते हैं। थर्ड थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका? एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो। तो आप देखेंगे फर्स्ट से ये फर्स्ट वाले से मैच करता है, तो केवल इतना आपको कर देना है कि जहां भी क्लोज इंटरवल है सबको ओपन कर दो, बाकी सब यही आंसर हो जाएगा। यानी कि डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस फाइव यूनियन माइनस फाइव टू माइनस टू यूनियन, एकदम इसी को देख करके लिख रहे हैं, केवल मैंने इंटरवल चेंज कर दिया, क्लोज को ओपन कर देना है बस। यूनियन टू टू इन्फिनिटी, टू टू इन्फिनिटी। और फिर फोर्थ को क्या करेंगे अपने को? फोर्थ वाले को इससे मैच करता है सेकेंड वाले से, एफ ऑफ एक्स लेस देन जीरो, लेस देन जीरो। तो इसमें क्या हो जाएगा? सब कुछ यही लिख देंगे, केवल क्लोज इंटरवल को ओपन कर देना है, फिर मतलब वो पॉइंट छोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा? माइनस टू माइनस वन यूनियन माइनस वन टू जीरो यूनियन जीरो टू वन यूनियन वन टू टू। तो ये हो जाएगा सारा एक्सप्लेनेशन। दिस टॉपिक इज एंड, दैट्स ऑल, थैंक यू। आई डोंट नो कंप्लीट।